पानीपत के सनोली रोड पर विगत दिनों जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष का मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि पानीपत के सनोली रोड पर विगत दिनों जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के बाद जहां पहले वाल्मीकि समाज के लोगों ने पंचायत कर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी, वहीं आज कश्यप समाज के लोगों ने सैकड़ों समाज के लोगों के साथ लघु सचिवालय में पहुंच नाराजगी जताई है। पानीपत पुलिस कप्तान से मिलकर उनकी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। पानीपत के सनोली रोड पर जमीन के विवाद में दो पक्षों में लाठी डंडे व ईंटों से एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष गोविंदा लाहोट व अन्य लोगों को काफी चोटें आई थी। वहीं दूसरे पक्ष ने भी उनके ऊपर हमले के आरोप लगाए थे। इसी मामले में आज कश्यप समाज के सैकड़ों लोग पानीपत के लघु सचिवालय में पहुंचे और पुलिस के प्रति नाराजगी जताई। वहीं पुलिस कप्तान से भी न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। इधर पुलिस कप्तान ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मिलने आए हैं जी, उन्होंने बुलाया था तो ऐसा है जी, जो ये लड़ाई लंगा पंगा जो हुआ है मौके पे, बच्चे भी हम भी मौके पे नहीं थे, मम्मी पापा हमारे दुकान पे बैठे थे, जैसे डेली जैसे काम होता है दुकान पे तो उस हिसाब से हम बैठे थे। तो जैसे ही मतलब हमारे पास फ़ोन आया, हम भागे गए वहाँ पे, देखा हमने कम से कम 100-150-200 आदमी था वहाँ पे, लड़के थे, किसी के हाथ में लठ तलवार सारा कुछ था जी, सब कुछ था जी, रोड़े पत्थर इतना बरसा जी, हद से ज़्यादा जी, और फुटेज वगैरह सारा उनके पास रिकॉर्ड है, सब है, सब है जी, तो उनमें भी देखा गया है, तो सब कुछ उन्हीं का ही मैटर है जी सारा। हम तो वहाँ मौके से जब देखा ना, हमने 200-250 बंदा है, तो हम फैमिली जान बचा के, हम तो फैमिली पत्नी दीवारों से कूद कूद के भागे जी, हम तो किसी के दूसरे घर में घुसे, वो भी मतलब परेशान हुए कौन आ गया एकदम, तो वहाँ से भी हम निकल के अपने घरों में जाके सुरक्षित बैठे। तो दो दिन तो हमारे को मतलब ऐसा हो गया जी घर में, हम बिल्कुल बंद के खड़े हो गए, और हमारी इतनी टेंशन पड़ गई थी घर में बहुत ज़्यादा भाई, हमने तो अपना सेफ्टी चाहिए हमारी भी। मेरी दरख्वास्त यही है कि एसपी साहब से हमारे को धमकी दे सुरक्षित रखा जाए, और हमारा निर्णय मतलब हमारे को हमारा जो हक है वो हमारे को मिल जाए। अभी भी कोई खतरा है क्या आपको? हमारे को अभी भी खतरा है, हमारे को खतरा है बाबू जी। अब तक हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हमें कम से कम 15 दिन हो गए अब तक हम जॉब में भी नहीं गए, नौकरी पैसे वाले बंदे हैं तो कैसे खाएंगे जो डर रहता है जी, बाहर है और जाना भी उन्हीं साइड में ही है जी, किधर जाए तो ये चक्कर है जी। किससे खतरा आपको? मार्को जी गोविंदा लोट से खतरा है जी, जिसने रोड़ा किया है जो हमारे साथ, जो जिनका कोई मैटर भी नहीं था वो आए हैं वहाँ पे उसे, तो घर पे तो ये दिक्कत है जी मार्को, और हमारा न्याय दिलाया जाए। प्रशासन से यही निवेदन है कि मार्को सुरक्षित रखा जाए, और हमारा फैसला अच्छे से कार्रवाई करके जो दोषी है दोषी की सजा सुनाई जाए, और जो निर्दोष है उनको जैसे है सफल करा जाए। पवन कुमार है जी मेरा नाम। अजी मैं उस टाइम जो पंगा होया था ना, तो मैं अपनी रिश्तेदारी में मिलने आ रही थी, तो हमने सुनी कि चल घर पता लिया वहाँ राजी खुशी का, तो वहाँ होया दिखा पंगा, तो पंगे के बाद जी ये तीन भाई थे वहाँ हमारे पास, तो इनके ऊपर मारदार हो रही थी जी पूरी, तो हमने ये इनके तले तक काट काट कर दबाए जी, वो तलवार लठ पत्थर और ईंटा बरसाई। मैं हाथ जोड़ कर कह रही थी, तो वो पुलिस साहब खड़े थे, महा जी देखिए कैसे पत्थर रोड़े बरसा रहे हैं, और आपका भी कंट्रोल नहीं हो रहा था हमारी सहता में खड़े हो, उन पर डंडे ईंट खोस खोस का घेरे, जब भी वो मान नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा जी मखा या दो तीन जने तलवार लेकर आए, तो मैंने कहा मैं खड़ी जी मैं ना मारो, तो मैंने जिंदगी नहीं चाहती, तो तलवार ले रहे थे, पत्थर रोड़े खूब बरसा रहे थे जी, तो उस टाइम पर मैं हाथ जोड़ कर खड़ी थी उनके दौरा, तो फिर मैं खूब आ रहे थे, कम से कम 200-250 आदमी आ रहा था जी उस टाइम पर, सब सारे हाँ सारे थे सब कति टोटल हाँ। मारे मौके पर कोई बंदा नहीं था, ये तीनों भाई मार गए थे, ये तीनों भाई हमने दबाए महाभाग, जो आत्मा भी जोड़े हमने उनके पास, महाभाई गोविंदा तू ऐसे पंगा मत करो हमारी साथ, हमने थारा कोई वो नहीं आता मैटर, तो भाई भाइयों का आपस का रोड़ा हमारा, तो इस करके प्रार्थना भी मांगी हमने उन पर, फिर भी नहीं मानने में है नहीं। आज आप यहाँ आए तो क्या मांगा है? आज आप यहाँ पे आए हो किससे मिलोगे? हम तो न्याय मांगने के लिए आए हैं जी, न्याय मांगो। ब्र
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।